हाय गाइस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि कल एक्सपायरी का देना तो हमारे किस तरीके से वहां पर ट्रेड करना है, कौन कौन से लेवल्स को हमने ध्यान रखना है, कल हमने बाय करना है या शॉर्ट करना है, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम आया है बहुत ही अच्छी खासी, आज लर्निंग वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मार्केट में जैसे सुबह के टाइम पे जब मार्केट ओपन हुई तो वहां पे गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और उसके बाद जो मार्केट ने रिकवर भी किया वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप में एक कह सकते हैं स्ट्रांग करेक्शन थी, जिसके अंदर आज आप बात करने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे को जो है वो स्ट्रांग बी वेव देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं फ्लैट पैटर्न देखने को मिल रहा है, और अगर बात करते हैं निफ्टी की तो उसके अंदर हमारे को सी वेव देखने को मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है इंटरनली मूव जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में हमारे किस तरीके से मूव देखने को मिल सकता है कल हमारा जो एक्सपायरी वाला देना है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं पहले निफ्टी के बारे में, निफ्टी जो है हमारा इसको लेके चलते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट की आपके सामने जो है ये स्टार्ट आ रहा है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कहीं ना कहीं हमारे को ये जो मूव है ये डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे ये वाई मैंने क्यों रखा था, मैंने आपको बताया था कि सी वे में हमारे को यहाँ पे कभी भी हमारे को जो करेक्शन पैटर्न नहीं मिलती, अगर हमारे को मिलता है तो कहीं ना कहीं वाई पैटर्न के अंदर हमारे को करेक्टिव नीचे जो नीचे फॉल आ रहा है वो हमारे को मिल सकता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी आपसे बात करी थी कहीं ना कहीं अगर हमारे को यहाँ पे इससे लार्जर टाइम फ्रेम का अगर हमारे को यहाँ पे ए मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम का हमारा ए देन बी देन सी, इस तरीके से जाते हुए हमारे को यहाँ पे फाइव सबॉर्डिनेट मिल सकते हैं। तो उस तरीके से हमारे को यहाँ पे फाइव सबॉर्डिनेट मिल भी रहे हैं, जिस हिसाब से वन देन टू देन थ्री देन फोर, और ये भी हम जो जा रहे हैं फिफ्थ सबॉर्डिनेट में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे को कल किस किन चीज़ों का ध्यान रखना, किस किस लेवल का ध्यान रखना वो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमारा ये डब्ल्यू एक्स वाई बना तो इस कंडीशन में जो हमारा ये वन देन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव की वेव में हम कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारे अपने आप में इम्पल्सिव मूव में ऊपर जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कल आप लोग को यहाँ पे अगर हमारे को यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा ये लेवल जो है नीचे तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होते और कहीं ना कहीं वहाँ पे दो चार कैंडल भी यहाँ पे अगर साइडवेज आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो, सिमिलरली हमारे को उस तरीके से ही यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अब यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। जैसे ही हमारी 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और उसके बाद जो हमारा ये जो 4 का लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे बाई साइड पे ही रहेंगे। अगर ये शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे ऐसी ब्रेक हो जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए हम यहाँ पे अपना डिस्कस करेंगे और यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसके लेवल के नीचे हमारे को आना ही है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है अगर हमारा यहाँ पे ए वेव बनी है और ये बी वेव है तो कहीं ना कहीं मार्को जो उसकी रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं वो बी वेव को ए वेव के नीचे आना ही है, तो इस तरीके से वो आ सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बी वेव हमारे को मिल रही है कहीं ना कहीं मार्को ये एक तरीके से स्ट्रांग बी वेव मिल रही है, तो अब इसको देखते हैं आने वाले दिनों में कि किस तरीके का होता है। बट यहाँ पर अगर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम यहाँ पे शॉर्ट करने की एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम इसको अपनी बाई साइड पर ही हम इसको चलते चलेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर ये नीचे नहीं भी आता और यहाँ पर हमारे ये 1, 2, 3, 4, 5 मिल भी रहा है तो इस कैटेगरी में भी इस सिस्टम पे भी हमारा जो है ये वाली जो मूव है इसकी करेक्शन करते तो उससे नीचे आना ही है। तो जब वो करेक्शन करने आएगा अगर वो हमारे का स्पीड अगर अच्छी हुई तो ये हमारे को ये पता लग जाएगा कि हमारी बी वेव है तो हमारे को नीचे जाती हुई कि स्पीड बहुत तेज मिलने वाली है और कल वैसे भी एक्सपायरी का देना है। अगर हमारे को स्पीड नहीं मिलती बहुत स्लो कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे स्लो नीचे आता है तो इसका मतलब समझ लेना कि ये ज़्यादा नीचे आने के चक्कर में नहीं है, ये कहीं ना कहीं अभी अपसाइड मोमेंटम पे रखने वाला है। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी जो है कहीं ना कहीं अभी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा पीछे की तरफ चल रहा है, जैसे अगर आप इसको मैं डेली के चार्ट पे देखता हूं तो इसके अंदर इतना ज़बरदस्त मोमेंटम नहीं आया जो हमारे को बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज स्पीड पर देखने को मिली है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ ऊपर आ गया बट उतना निफ्टी ने अभी तक मूवमेंट नहीं दिखाई है। तो बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी पे भी हम जो है थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इसके ऊपर भी हमने यही डिस्कस किया था अगर यहाँ पे हमारे को ये फर्स्ट वेव मिल रही है, सेकंड वेव मिल रही है इंटरनल वेव की, थर्ड दैन फोर और फिफ्थ वेव के लिए हम ऊपर जा सकते हैं। अगर हमारी फिफ्थ वेव यहाँ पे खत्म हो गई है तो पैटर्न की कन्फर्मेशन रहती है कहीं ना कहीं हमारे को जो है फोर्थ वेव के नीचे आने के लिए यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट, अब फोर्थ की वेव के नीचे नहीं आया अभी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही यहाँ पे काम कर रहा है, तो अभी यहाँ पे हमारे को पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिली। अब यहाँ पे अगर मैं इससे लार्जर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ जैसे यहाँ पे 1, 2 दैन अगर ये 3 है तो दैन हमारे को 4 की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे को ये आज सुबह गिरावट देखने को मिली ये जो नीचे आया था तकरीबन कहीं ना कहीं हमारा ये ए बी सी 3 सबॉर्डिनेट के फॉर्म में ये नीचे आया था, जिसको मैं लार्जर डिग्री से यहाँ पे मैं इसको ए मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक बार हमने शॉर्ट करने की यहाँ पर कोशिश करी थी और उसके ऊपर हमने जो इसका एसएल था वो हमारा यहाँ पे हिट हो चुका, तो दोबारा हमने अटेम्प्ट किया और यहाँ पे कहीं ना कहीं भी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो
मूवमेंट आप देख रहे हो, ये जो मूव ऊपर की तरफ जा रही है ये कहीं ना कहीं हमारी इंपल्सिव मूव नहीं है, ये जो जा रही है जिसका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारा बी वेव का ही, तो मे बी जो मार्केट ऊपर जा रही है कहीं ना कहीं ये हमारे बी वेव के लिए जा रही है, तो बी वेव करने के बाद ये सी वेव के लिए इसको नीचे आना इसकी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बी वेव जो है ये स्ट्रांग बी वेव बना रही है। अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली बात है कि अगर ये स्ट्रांग बी वेव बना रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हमारे को अगर ज्यादा स्ट्रांग बी वेव मिल गई तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारे को एक रनिंग करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अगर रनिंग करेक्शन मिल गई तो जो आज हमने जो कैरी किया हुआ शॉर्ट मैंने वो कहीं ना कहीं मैं वहां पर ट्रैप हो जाऊंगा अगर वो रनिंग करेक्शन बनाता है तो, नहीं तो यहाँ पर अगर मेरे को यहाँ पे शॉर्ट एग्जीक्यूट करना है अगर आप लोगों में से जिन्होंने नहीं किया और कल एक्सपायरी का देना, कल यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लली हमारे को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं हमारे को करेक्शन आती दिख सकती है, और अगर वो करेक्शन इस लेवल के नीचे आती है क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्चुअल में ये जो मूव गया है यहाँ पे ये ए की फॉर्म में गया है, देन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बी की फॉर्म है और ये सी की फॉर्म के लिए ऊपर जा रहा है, सी अभी बना है या नहीं बना भी देखते हैं, यहाँ पे इसमें हमारे को जो ए वेव है हमारे को काफी एक्सटेंशन मिली है तो मे बी हमारे को सी वेव ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अगर वो भी मिल जाती कहीं ना कहीं हमारे को तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक स्ट्रांग बी वेव मिल रहा है तो कहीं ना कहीं रनिंग करेक्शन ना मिल जाए, बट उसके लिए अगर आपको कोई शॉर्ट एग्जीक्यूट करना है जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता जो स्मॉलर डिग्री का जो बी वेव है, जब तक ये डिग्री ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे को शॉर्ट नहीं करना, ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम सी वेव के लिए नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बना रहा है यहाँ पे कौन से पैटर्न की पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूट वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और सिमिलरली बात करी जाए जैसे आज हमारा जो कल है जैसे हमने S&P के ऊपर बात करी थी वहां पर भी हमारे काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, तो यहाँ पे मैंने कल ही मैंने ये जो है कम्युनिटी पोस्ट डाला था हमारे को S&P के ऊपर जो मैंने वीडियो डाले थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप जाके वो देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में बताया गया था कि यहाँ पे हमारे को S&P में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट जिस तरीके से यहाँ पे हमारे को कल गिरावट देखने को मिली है उसके अगेंस्ट में जो आज मार्केट ने करेक्शन कर रहा था वो मार्केट ने करेक्शन नहीं किया, इवन कि गैप डाउन खुला जरूर था पर उसके बाद भी वो रिकवर कर गया था, क्योंकि जब यहाँ पर हमारे को दिख रहा था यहाँ पे प्रेशर है सेलिंग का और वहां पर भी लोगों का जो शॉर्ट सेल बहुत ईजी हो रहा था लगाने के लिए, तो लोगों ने बहुत लोगों ने शॉर्ट सेल भी लिया होगा क्योंकि उन्होंने देखा कहीं ना कहीं जो है S&P हमारा वीक है तो हमारे को यहाँ पर भी हो सकता है, तो उनकी भी जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी उनको भी खत्म करने के लिए वो ऊपर की तरफ चला गया, वहां पर आने के बाद उनकी भी शॉर्ट्स काफी लोगों की वहां पे स्क्यूज खत्म हो गई होंगी। अब यहाँ पर ऊपर जाने के बाद कल देखते हैं कि मार्केट में क्या बिहेवियर मिलता है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कल हमारे को तो कल एक्सपायरी है, देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट मोमेंटम आता है, जैसे मोमेंटम आएगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां पर कोशिश करूंगा आपको अपडेट देने के लिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।